आज हम लोग क्लास 10th का भूगोल पढ़ेंगे जो कि दो खंडों में बटा हुआ है, खंड क आई खंड ख। इसमें इकाई 1 में पहला चैप्टर है भारत। भारत के बारे में पढ़ना है, भारत के संसाधन एवं उपयोग के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे संसाधन होता क्या है, इसका महत्व क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग अपने जीवन में क्या है, बहुत सारे वस्तु का प्रयोग करते हैं। जितना भी आसपास वस्तु रहता है, लकड़ी, पेड़ पौधा, ये सब का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाले ये सभी वस्तुएं संसाधन है। ये जितना भी हम लोग वस्तु का उपयोग करते हैं, वो सब के सब क्या है, एक संसाधन है। संसाधन भौतिक एवं जैविक दोनों हो सकते हैं। भौतिक मतलब निर्जीव बोल सकते हैं, जैविक मतलब सजीव चीज़। जितना भी सजीव पार्ट में आता है वो सब हो गया जैविक, और जो निर्जीव हो गया वो भौतिक हो गया। तो हम लोग दोनों का यूज करते हैं। जो सजीव चीज़ है उसका भी यूज करते हैं, जो निर्जीव है उसका भी यूज करते हैं। तो जहाँ तक एक ओर भूमि, मृदा, जल, खनिज एवं भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं के पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं। बोले कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग का जो भूमि यूज करते हैं, ठीक है, जो मिट्टी यूज करते हैं, जो जल यूज करते हैं, जो खनिज वगैरह हो गया, खनिज जो जमीनों से निकलता है, ये सब क्या है, भौतिक संसाधन है जो कि हम लोग यूज करते हैं। वही दूसरी ओर जैविक पदार्थ, जैसे कि दिया हुआ वनस्पति, वनस्पति, वन जीव। वनस्पति मतलब क्या, जो हम लोग जमीन पर उगाते हैं वो सब क्या हो गया, पेड़ पौधा, वो सब वनस्पति हो गया। वन जीव मतलब क्या, जो जंगलों में रहने वाला जीव है, जलीय जीव, जो जल में रहते हैं जीव, वो सब क्या है, मानवीय जीवन का सुखमय बनाने में पीछे नहीं है। ये सब भी क्या है, हम लोगों को ये सुखी जिंदगी देता है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है उपरोक्त, उपरोक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे जीवन उपयोगी हो पाते हैं। ये क्या है कि हम लोग जितना भी एक तकनीक के सहारे हम लोग का उपयोग बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले से ही हम लोग को पता था कि इसका उपयोग ऐसे करेंगे, इसका उपयोग ये ऐसा करेंगे, ऐसे हम लोग कुछ पता नहीं था। जैसे पेड़ पौधा हुआ, तो पेड़ पौधा के बारे में पता थोड़ा ना था कि हम लोग आगे चल के पेड़ पौधा का क्या क्या यूज करने वाले। जैसे कि हम लोग पुराने ज़माने का बात करेंगे तो जैसे कि दरवाजा बनता है लकड़ी का, खिड़की का पल्ला बनता है लकड़ी का, चाहे टेबल बेंच बनता है लकड़ी का। लेकिन पहले क्या था, ये सब पहले इसका उपयोग नहीं था। तो हम लोग इसका संसाधन के बारे में, मतलब तकनीक के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन अब तकनीक हम लोग जानने के बाद हम लोग इस सब का उपयोग कर पाते हैं, संसाधन के रूप में यूज कर पाते हैं। अनादिकाल मतलब पुराने काल से ही आर्यनों ने में वनस्पति एवं वन जीव उपलब्ध थे। ये सब जैसे वनस्पति हो गया, वन जीव हो गया, ये सब क्या होता है, पहले के जमाने में भी उपलब्ध था, लेकिन हम लोग क्या इसका उपयोग नहीं कर पाते थे। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व विचरण करते रहते थे। ये सब क्या है, बहुत पहले जलीय जीव हो गया, लाखों वर्ष पूरे विचरण करते रहते थे, फैला हुआ था। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी गर्भ में पड़ा हुआ था। जैसे कि बहुत साल पहले से ही कोयला, पेट्रोलियम और बहुत सारा खनिज जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है आज के डेट में, पहले से ही क्या था, ये सब जमीन के अंदर पड़ा हुआ था, लेकिन हम लोग इसका उपयोग नहीं करते थे, इसलिए कि इसके बारे में हम लोग को पता नहीं था। किंतु उस समय के आदि मानव के तकनीक ज्ञान का अभाव था। इसका मतलब क्या था, जो आदि मानव लोग थे उन लोगों के पास क्या था, ज्ञान का कमी था। इसके वजह से ये लोग उसको यूज नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। इस वृद्धि ने मानव के ज्ञानार्जन की दर को त्वरित वृद्धि किया, मतलब तेजी से वृद्धि किया गया। इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। जितना भी आदि मानव थे, पहले के जो लोग थे, तकनीक को मतलब तकनीक यूज किया, दिमाग यूज किया, तब क्या बन गए, एक ज्ञानी मानव में बन गए लोग, ठीक है। परिवर्तन में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन में सुखमय बनाने में मानव का सक्षम हो गए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये सब जितना भी तकनीक था, टेक्नोलॉजी था, वो सब यूज करते करते आज के डेट में हम लोग इतना आगे निकल चुके हैं कि बहुत सारी चीज़ों जो पहले यूज नहीं किया जाता था, आजकल हम लोग उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है, तब
सभ्यता विकसित होती है। जब भी हम लोग अपने आप को, ठीक है, अपने आप को विकसित करते हैं, उसी में क्या होता है, सभ्यता विकसित होती है। अंतः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके संस्कृत संसाधन की स्थिति के प्राप्त कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जितना भी मानव जीवन निर्वाह होता है, तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थित को प्राप्त कर लेते हैं। जो भी पहले संसाधन नहीं होता था, आजकल हम लोग उसको क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, प्राप्त कर लिए हैं। वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। संसाधन का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही व्यापक है। यह प्रसिद्ध भूगोलविद जो जो भूगोल के खोज करते हैं, उन लोगों को बोलते हैं भूगोलविद, ठीक है। इन्होंने बोला था, जिमरमैन, ठीक है, जिमरमैन का कहना था, एक कथन दिए थे, संसाधन होते नहीं है, बनाते हैं। मतलब संसाधन होता नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एक संसाधन के रूप में बनाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हम लोग पहले से ही पता था कि ये हम लोग का संसाधन है, ऐसा कुछ नहीं था। उसको हम लोग अपने प्रयोग में लाए, अपने दिमाग को यूज किए कि इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग उस संसाधन को बनाए। ऐसा नहीं था कि पहले से संसाधन था, ठीक है। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना जाता है। जो वर्तमान परिवेश है उसमें सेवा को भी संसाधन माना, जो भी सेवा किया जाता है उसको भी एक संसाधन माना जाता है। जैसे कि कोई गायक या कवि, चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धनंजन या स्वयं को संतुष्ट करता है। मतलब धन के लिए, या तो कोई कवि होता है या गायक होता है, गाने गाने वाला, वो क्या करता है, अपने धन के लिए गाता है या स्वयं को संतुष्ट करने के लिए गाता है कुछ भी, तो उससे क्या है, एक प्रकार का संसाधन है, ठीक है। तब उसके द्वारा ये कार्यकलाप भी संसाधन कहलाएंगे, वो भी एक क्रियाकलाप क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा। कवि का कविता रचना, जो कवि का कविता रचना होता है, चित्रकार का जो चित्रकारी होता है, ठीक है, गायक की गायकी भी संसाधन है। जितना भी, मान लो जितना भी इमेज बनाने वाला, ठीक है, बनाने वाला है, वो भी क्या है, वो एक संसाधन ही है। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है। मानव भी क्या है, एक स्वयं ही संसाधन है। मतलब जो मानव है वो भी क्या है, एक संसाधन ही है, क्योंकि इसके पास ज्ञान होता है। मानव के पास क्या होता है, ज्ञान होता है, जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोग बना सकता है। ज्ञान के वजह से ही दुनिया में कोई भी वस्तु है उसको एक उपयोगी रूप में बना सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग कोई भी, पहले भी क्या था, जमीन था, भूमि था, ठीक है, मिट्टी था, लेकिन पहले लोगों को ये नहीं पता था कि हम लोग कैसे कोई चीज़ को फसल के रूप में, हम लोग फसल कर सकते हैं, ठीक है, फसल करके हम लोग अनाज उगा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इंसान मानव अपने ज्ञान का यूज करके पता किया कि हम लोग कोई भी चीज़ क्या कर सकते हैं, फसल उगा के हम लोग उससे अपने पेट भर सकते हैं, ठीक है। यह धारणा भ्रामक है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ, यह धारणा भ्रामक है, मतलब भटकाने वाला है, कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। मतलब लोग, बहुत लोग कह देते हैं कि क्या है, संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बिना प्राकृतिक बोल सकते हैं, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन का ही हम लोग अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। उसी के बारे में यहाँ पर कुछ देशों की कंट्री के बारे में दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होते हैं। मतलब बैकबोन, मेरुदंड मतलब क्या, बैकबोन जो हम लोग पीठ का हड्डी होता है उसी को मेरुदंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आर्थिक सामाजिक संसाधन क्या है, देश, किसी भी देश का आर्थिक और सामाजिक चीज है। बिना संसाधन का आर्थिक, हम लोग अपना आर्थिक सुधार नहीं सामाजिक सुधार कर सकते हैं, ठीक है। संसाधन विपत्र राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दौड़ में पिछड़ जाते हैं। बोले जिसके पास संसाधन नहीं होता है, विपत्र मतलब
जिसके पास नहीं होता है, कमी होता है, जिसके पास संसाधन का कमी होता है वो राष्ट्र क्या होता है, मतलब दूसरे राष्ट्रों से, दूसरे विदेशी से अगर कंपेयर करेंगे तो उससे क्या होता है, पिछड़ जाता है, पीछे रह जाता है जिसके पास संसाधन का कमी होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन से संपत्ति राष्ट्र ही विकास करते हैं, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन के वजह से ही पूरा राष्ट्र विकास करता है, संपत्ति मतलब पूरा के पूरा, ठीक है। जापान एक ऐसा देश है, जापान के बारे में बता रहे, जो कि एक कंट्री है, ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपत्त था, मतलब उसके पास प्राकृतिक संसाधन का बहुत कमी था। जापान एक ऐसा देश है जिसके पास प्राकृतिक संसाधन क्या था, बहुत कम था, किंतु इनके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सबल है कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। जापान के बारे में हम लोग को पता क्या है कि बहुत बड़ा विकसित देश है, इसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं था, लेकिन फिर भी जो यहाँ के मानव लोग थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा तेज थे तकनीकी दृष्टि से, ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो क्या है आज के डेट में विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देश के श्रेणी में खड़े हैं। विवेकपूर्ण मतलब बुद्धिमानी पूर्वक, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है विवेकपूर्ण उपयोग कर, जितना भी उसके पास संसाधन थे, ठीक है, उसको विवेकपूर्ण मतलब बुद्धिमानी पूर्वक उपयोग करके अपने आप को एक विकसित देश में खड़ा किए। अतः किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें लिख रहा है कि किसी के देश के विकास के लिए भौतिक एवं जैविक संसाधन दोनों के दोनों क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है विविध संसाधन, विविध मतलब अलग अलग प्रकार का संसाधन के मध्य मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है। अगर किसी के पास सभी प्रकार का संसाधन है, ठीक है, वो मानव क्या होता है, हमेशा एक नियंत्रक में रहता है, मतलब एक अच्छे स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, प्रौद्योगिकी मतलब तकनीक, तकनीक मतलब हम लोग ज्ञान के बारे में बता रहे थे, मतलब टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ठीक है, पदार्थ तो होना ही चाहिए, साथ साथ हम लोग के पास तकनीक भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, और साथ साथ संस्थाओं भी होना चाहिए। संस्था मतलब क्या होता है, कहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होना चाहिए, जिसको हम लोग जिस जहाँ पे हम लोग काम करके कोई भी पदार्थ का उपयोगी बना सकते हैं, के बीच में अंतर संबंध स्थापित करता है, ये तीनों हम लोग के पास होना चाहिए, तब कोई संसाधन को हम लोग उपयोगी बना सकते हैं। हम लोग पदार्थ होना चाहिए, उसके बाद तकनीक भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, उसके बाद हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मतलब संस्था होना चाहिए, के बीच में संबंध होना चाहिए, ठीक है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन सकते हैं, जितना ही पर्यावरण में पदार्थ पाया जाता है सबको सब हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोगी बना सकते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिया हुआ है। यहाँ पे मानव संसाधन कैसे हम लोग विकसित कर सकते हैं, उसके लिए तीन चीज़ चाहिए, तकनीक भी होना चाहिए, संस्थान भी होना चाहिए, पर्यावरण भी होना चाहिए, मतलब पर्यावरण में जितना भी वस्तु पाया जाता है वो भी हम लोग का पदार्थ हम लोग के पास होना चाहिए। अब है कि संसाधनों का वर्गीकरण, यहाँ पर लिखा हुआ है संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण हम लोग चार भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन, उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधन, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, चार नंबर है विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य विकसित भंडार और संचित के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ संसाधन का प्रकार, तो संसाधन दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मानवीय। मानवीय में हम लोग आ जाते हैं, प्राकृतिक मतलब जितना ही प्राकृतिक में पाने जाने वाला पदार्थ है वो सब आ रहे हैं। इसमें भी प्राकृतिक में भी दो प्रकार का होता है, नवीकरणीय अनवीकरणीय। मानवीय में
भी दो प्रकार का होता है, संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। फिर नवीकरणीय भी दो प्रकार के, सब अलग अलग प्रकार के, हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। यहाँ पे दो प्रकार का होता है कौन कौन सा? जैविक संसाधन, वैसे संसाधनों की प्राप्ति जो मंडल से होती है, इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। मतलब जो भी हम लोग संसाधन सजीव चीज से मिलता है, उसको हम लोग जैविक संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, मत्स्य मतलब मछली को बोलते हैं, फिश को, पशुधन जो पशु से हम लोग को मिलता है संसाधन, अन्य प्राणी समुदाय, ठीक है। ये सब क्या है? जैव संसाधन है। और जैव संसाधन क्या होता है? तो निर्जीव वस्तुओं से जो हम लोग को संसाधन मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव संसाधन। जैसे कि चट्टान, धातु, खनिज, सब क्या है? निर्जीव है। अब हम लोग पढ़ेंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो वर्ग होते हैं, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन ऐसा संसाधन होता है जो कि खत्म नहीं होता है, उस हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं? उसको रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि हम लोग सौर ऊर्जा का यूज करते हैं, आजकल हम लोग घरों में लगा हुआ रहता है सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश की रोशनी को जैसे हम लोग को ऊर्जा मिलता है, उसको हम लोग सौर ऊर्जा बोलते हैं। तो ये क्या है? कभी खत्म होने वाला है? नहीं खत्म होने वाला, इसलिए हम लोग इस संसाधन को क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। जैसे पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा क्या होता है कि एक पंखा लगा हुआ रहता है बहुत ऊंचाई पर, ठीक है, और पंखा हमेशा क्या करता है? घूमते रहता है। इसके घूमने को जैसे जो ऊर्जा मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग पवन ऊर्जा मिलता है। तब हवा कभी भी खत्म होने वाला है? नहीं है। तो ये भी क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। या जल हो गया, जल भी कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। विद्युत, वन प्राणी, ये भी क्या है? कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। अगर अन्य अनवीकरणीय संसाधन का बात करते हैं, तो ये क्या है कि ये खत्म हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे विकास, लंबी अवधि की मतलब ये हम लोग प्राप्त दोबारा मिल सकता है, लेकिन लाखों वर्षों लग सकता है दोबारा मिलने में, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। ये पुनः चक्रीय नहीं होता है, मतलब ये क्या है? पुनः चक्रीय होता है, मतलब इसको हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं तुरंत, लेकिन ये क्या है? पुनः चक्रीय नहीं होता है, फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जो कि ईंधन हम लोग जमीन के अंदर से निकालते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है? एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार प्रकार हो सकते हैं। तो पहला स्वामित्व के आधार पर क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम लोग जो भी फैमिली होता है, ठीक है, मतलब परिवार है, ठीक है, उसमें क्या है? तो कुछ लोग अपना क्या होता है उसमें, हम लोग का जमीन क्या होता है? अपना होता है। घर क्या होता है? अपना होता है। ये सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है, मतलब उसको हम लोग दूसरे को यूज नहीं कर सकते, वो हम लोग खुद ही यूज करेंगे। ऐसा संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, मतलब वो क्या होता है? हम ही लोग के अधिकार में रहता है। जैसे हम लोग अपने घर के बारे में बात करेंगे, तो क्या है? वो हमेशा हम ही लोग का रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरे लोग उसका यूज करेगा, जिसके बदले में वो सरकार को लगान भी चुकाते हैं। मतलब कुछ कुछ पहले क्या होता था कि जमीन वगैरह के लिए सरकार को क्या करना पड़ता था? लगान चुकाना पड़ता था, भूखंड, घर व अन्य जायदाद, ठीक है, जितना भी हम लोग जमीन वगैरह रहता है, वो सब क्या है? अपना है, व्यक्तिगत है संसाधन, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। लेकिन हम लोग कुछ भी उसमें अगर तालाब का बात करेंगे, ठीक है, कुआं का बात करेंगे, ये सब क्या है? व्यक्तिगत नहीं है। कोई इसका फिक्स मालिक नहीं रहता है कि नहीं ये इसी का है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये सभी लोगों के लिए रहता है, तालाब, कुआं, इसलिए सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग क्या रहता है? मंदिर रहता है, मस्जिद रहता है, ये सब क्या है? समाज के लोगों के लिए यूज किया जाता है, वैसे संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं? सामुदायिक संसाधन, ठीक है। जो भी हम लोग मंदिर, मस्जिद हो गया, ठीक है, भवन हो गया, तालाब हो गया, तालाब भी क्या है कि सब कुछ समाज का लोग यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये सब
क्या होता है, जैसे हम लोग बात कर सकते हैं पार्क वगैरह जो बनता है, खेल का मैदान जो बनता है, ये सब क्या है, सामुदायिक संसाधन है, मतलब समाज के लोग यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। अब आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन मतलब क्या है कि जो देश का कानून है उसके मुताबिक कानून तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत जितना भी उपलब्ध संसाधन होता है, ठीक है। हम लोग मान लो कि हम लोग अगर भारत का बात करेंगे तो भारत में जितना भी संसाधन है वो क्या है, राष्ट्रीय संसाधन हुआ। उस संसाधन पे किसी दूसरे देश का, कोई दूसरे देश का उस पर हक नहीं रहेगा, ठीक है, वो सिर्फ हम ही लोग के देश का हक रहेगा, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। इसमें व्यक्तिगत संसाधन भी आ सकता है, हम मतलब जितना भी, मतलब हम लोग का देश में जितना भी संसाधन है सबके सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। अब इसमें कुछ लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन वन जीव एवं समुद्री जीव, 200 किलोमीटर के महासागरीय, जो महासागर होता है मतलब जो बड़ा बड़ा समुद्र होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 200 मीटर तक राष्ट्रीय संसाधन होता है, ठीक है। जिस मतलब मान लो कि हम लोग भारत का चित्र बनाते हैं, ठीक है, भारत का कुछ ऐसा होता है, नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, चारों तरफ इधर पानी पानी है, ये क्या है, महासागर है चारों तरफ, तो महासागर है, तो महासागर में जो 200 किलोमीटर के दूरी रेंज तक जो रहेगा ना वो क्या रहेगा, राष्ट्रीय संसाधन रहेगा, मतलब वो उस पर भारत का हक है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो ये सब पानी पानी दिखेगा ये किसी भी देश को इस पर हक नहीं है, ठीक है। तो उसी को हम लोग, जो किसी कंट्री का उस पर हक नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम से यहाँ पर आएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं, किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। जो 200 मीटर की दूरी तक का क्षेत्र था ये, इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो क्षेत्र बचेगा पानी वाला, ठीक है, महासागर वाला जो क्षेत्र बचेगा वो सब क्या आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। उस पर पूरे वर्ल्ड का मतलब बोल सकते हैं, पूरा हर एक देश का उस पर अधिकार नहीं बोल सकते, मतलब अधिकार है, लेकिन वो लोग हर एक कोई भी कंट्री उसका यूज कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे विकास के स्तर पर भी, संसाधन को चार भागों में वर्गीकृत किया गया। विकास को देखते हुए संसाधन को चार भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, संभावित संसाधन, सबसे पहले है संभावित संसाधन। तो संभावित संसाधन क्या होता है, ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, इसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज। अब देखो, ऐसा संसाधन जो हम लोग पता है कि वहाँ पे संसाधन है लेकिन उसका हम लोग आज तक उपयोग नहीं किए, जैसे हिमालय क्षेत्र में खनिज, हिमालय का क्षेत्र में भी खनिज होता है लेकिन हम लोग वहाँ पे खुदाई नहीं कर सकते, इसलिए खुदाई करने में हिमालय के क्षेत्र में बहुत दिक्कत है। हम लोग पता है कि वहाँ पे खनिज मिलेगा लेकिन फिर भी हम लोग खुदाई करके वहाँ का खनिज नहीं निकाल सकते, तो वैसे संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं, संभावित संसाधन। उसका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा होने के कारण क्या हो जाता है कि दुर्गम होता है, बहुत दिक्कत होता है, महंगा भी होता है, अगर उसको हम लोग निकालेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है, इसीलिए हम लोग उसका यूज नहीं कर पाते, इसीलिए वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं, संभावित संसाधन। जैसे कुछ क्षेत्र का नाम ही दिया हुआ है, उसी प्रकार राजस्थान गुजरात क्षेत्र में पवन एवं सौर ऊर्जा के असीम संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इसका सही रूप से विकास नहीं किया है। मतलब यहाँ पर बोला है, जो राजस्थान राज्य है और गुजरात जो क्षेत्र है वहाँ पे हम लोग पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का यूज कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत मात्रा में यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी तक उसका यूज नहीं कर पाए हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं संभावित संसाधन। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं, गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाया जा रहा है। यहाँ पे आपको पता होगा गुजरात और राजस्थान का बात क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है तो सौर ऊर्जा का उपयोग अच्छे से हम लोग कर पाएंगे, इसीलिए वहाँ पे क्या किया जा रहा है, सौर ऊर्जा को लगाया जा रहा है।
अब यहाँ पर दिया हुआ है विकसित संसाधन, तो विकसित संसाधन क्या होता है? विकसित संसाधन ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षणों प्रांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का आधार हो चुका है। पूर्व में यह भी बताया जा चुका है कि यह संसाधन का विकास तकनीक और उनकी संभाव्यता पर निर्भर करता है। अब देखो विकसित संसाधन मतलब क्या है कि हम लोग ऐसा संसाधन जिसका उपयोग करते हैं, जिसके उसके मात्रा एवं गुणवत्ता, मात्रा मतलब वहाँ पर कितना ज़्यादा मात्रा में मिल सकता है संसाधन, गुणवत्ता मतलब उसका गुण क्या है, उसका हम लोग किस चीज़ का यूज करें। जैसे कि हम लोग धातु और अधातु का गुण पढ़ते थे ना, वैसे ही कोई भी संसाधन है तो उसको हम लोग उसका गुण जानेंगे ना, कैसा गुण है। मान लो कि उसका गुण अच्छा नहीं होगा तो उसको हम लोग प्राप्त करके क्या करेंगे, कुछ उसका उपयोग नहीं होगा। तो उसका मात्रा भी देखते हैं, उसका गुणवत्ता भी देखते हैं कि उसका गुण कैसा है और कितना मात्रा में है। तो वो ऐसा संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं? विकसित संसाधन। अब तीसरा आता है भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम भी है। ये क्या है कि पर्यावरण में उपलब्ध भी होता है और इसका मानव यूज भी कर सकता है, ठीक है, उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में, मतलब टेक्नोलॉजी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी अच्छे टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण ऐसे भंडार संसाधन उसको बोलते हैं। अच्छे मतलब हम लोग के पास संसाधन है, ठीक है, मतलब उसका संसाधन का भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? टेक्नोलॉजी का नहीं होने के कारण। उदाहरण के लिए जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक है। हम लोग के पास जल क्या है, बहुत मात्रा में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक मतलब है, जल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक होता है ना। ये जल में क्या है कि हम लोग पता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हम लोग इसका यूज आज तक अभी नहीं कर पा रहे, ठीक है। मतलब भंडार तो है संसाधन का, लेकिन उपयोग नहीं कर पा रहे, जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी हुई है। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा बहुत मात्रा में छिपा हुआ है, हम लोग इससे ऊर्जा बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। अब पानी का भी कोई कमी नहीं है, जल का कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये हम लोग का अभी उपयोग इसका नहीं कर पा रहे। भंडार मात्रा में तो है लेकिन उपयोग नहीं कर पा रहे, कुछ टेक्नोलॉजी नहीं, मतलब कम टेक्नोलॉजी रहने के कारण, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में, मतलब उच्च तकनीक मतलब वही बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण, उसके अभाव के कारण, उसकी कमी के कारण हम लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे। उसके बाद है संचित कोष संसाधन। अब संचित कोष संसाधन क्या होता है? वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है, मतलब हम लोग के पास ऐसा संसाधन जो कि है उसको हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन अभी तत्काल उसका उपयोग नहीं हुआ है। या भविष्य की पूंजी है, मतलब जो भविष्य के लिए बचा कर रखे हुए, ठीक है, कि आगे चलकर इसका यूज करेंगे, ठीक है, उसको बचा कर रखे हुए कि इसका आगे चल के यूज करेंगे, वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं? संचित कोष संसाधन। जैसे कि नदी का जल, जो नदी का जल होता है उसका हम लोग भविष्य में यूज कर सकते हैं। किस तरह से यूज कर सकते हैं? विद्युत विद्युत जल बनाने, जैसे जल से क्या करते हैं, हम लोग विद्युत उत्पन्न करते हैं, तो विद्युत उत्पन्न करने में उसका प्रयोग कर सकते हो। वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है, मतलब इसका उपयोग बहुत ही कम किया जा रहा है, ठीक है, अभी के डेट में। ऐसे संसाधन वन में या बांधों में जल के रूप में संचित है, मतलब बांध बना के हम लोग क्या किए, जल के रूप में संचित करके रखे हुए हैं, लेकिन इसका उपयोग नहीं कर रहे, ठीक है। तो वैसे संसाधन जिसका उपयोग नहीं कर रहे हम लोग, बचा के रखे हुए कि आगे चल के इसका उपयोग करेंगे, वैसे संसाधन को क्या बोलते हैं? संचित कोष संसाधन। अब आता है संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, मतलब क्या? विवेकपूर्ण उपयोग का मतलब ये होता है कि सावधानी पूर्वक, ठीक है, विवेकपूर्ण का उपयोग का मतलब होता है
वैसे जब संसाधन को हम लोग सावधानी पूर्वक बुद्धिमानी पूर्वक उपयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं विवेकपूर्ण उपयोग, ही संसाधन नियोजन कहलाते हैं। कहने का मतलब हम लोग कोई भी संसाधन है उसको कितने अच्छे तरीके से, कितने बुद्धिमानी तरीके से उपयोग करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं संसाधन नियोजन। वर्तमान में परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। मतलब संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता क्या है कि हम लोग जो भी संसाधन हम लोग के पास है उसको सर्वमान मतलब एक अच्छे तरीका से कैसे रणनीति बनाकर हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। संसाधन नियोजन के किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। मतलब संसाधन नियोजन बनाना है किसी भी राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत जैसे देश के लिए यह अपरिहार्य मतलब क्या होता है? अपरिहार्य मतलब यहाँ पे होता है अनिवार्य, मतलब जरूरी है। जैसे भारत जैसे देश के लिए क्या है कि संसाधन नियोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपरिहार्य मतलब जरूरी है, ठीक है। जहाँ संसाधन की यहाँ पे क्या लिखा हुआ, उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है। मतलब क्या है कि संसाधन के उपलब्धता के अत्यधिक विविधता, मतलब बहुत अलग अलग हम लोग क्या है कि अलग अलग संसाधन है हम लोग के पास, साथ ही साथ क्या है सघन जनसंख्या है। मतलब हम लोग के पास क्या है, अगर भारत के बात बात करेंगे तो यहाँ पे जनसंख्या क्या है बहुत ज़्यादा है, उसी को हम लोग बोलते हैं सघन जनसंख्या। यहाँ कई ऐसे प्रदेश है जो संसाधन संपन्न है। मतलब संपन्न मतलब होता है कि उसके पास संसाधन, ऐसे बहुत सारा एक राज्य है, ठीक है, प्रदेश है जिसके पास संसाधन तो बहुत ज़्यादा है। कई ऐसे भी प्रदेश है जो संसाधन दृष्टि से काफ़ी विपन्न है। मतलब कुछ ऐसे भी देश प्रदेश है जिसके, मतलब प्रदेश मतलब यहाँ प्रदेश का मतलब ये हुआ कि राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, कि कुछ तो राज्य ऐसा है कि जिसके पास संसाधन का ढेर है, बहुत सारा संसाधन है, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य है जिसके पास संसाधन का कमी है। कमी का मतलब विपन्न है, और जिसके पास आए उसको हम लोग बोलेंगे संपन्न, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहाँ एक ही प्रकार के संसाधनों का परचून भंडार है। मतलब कुछ ऐसा भी राज्य है जहाँ पे क्या है एक ही प्रकार का संसाधन क्या है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और अन्य दूसरे संसाधन का वह गरीब है, बट वहाँ पे दूसरे संसाधन में क्या है बहुत ज़्यादा ही गरीब है, उसके पास दूसरे संसाधन नहीं है। जैसे अगर झारखंड का बात करेंगे, मध्य प्रदेश का बात करेंगे, छत्तीसगढ़ का बात करेंगे, आदि ऐसे प्रदेश है जहाँ क्या है खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है। कहने का मतलब जैसे झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब राज्य में क्या है कि खनिज एवं कोयला क्या है बहुत ज़्यादा ही मात्रा में है। उसी प्रकार अगर बिहार का बात करें तो बिहार में चूना पत्थर पाइराइट जैसे खनिज धनी है। मतलब बिहार में बात करें तो बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में चूना पत्थर मिलेगा और पाइराइट मिलेगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का मैं बात करेंगे, जल संसाधन प्रचुर मात्रा में वहाँ पर, अगर अरुणाचल प्रदेश का बात करते तो वहाँ पर क्या है जल का मात्रा बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, परंतु कतिपय कारणों से उसका विकास नहीं हुआ। मतलब ऐसा कुछ कुछ कारण हुआ है जिसकी वजह से क्या हुआ है कि वहाँ पे, मतलब कुछ ऐसे सर्टेन कारण रहा है जिसकी वजह से वहाँ का विकास नहीं हो पाया। मतलब कतिपय मतलब होता है सर्टेन कारण, ठीक है, मतलब एक महत्वपूर्ण कारण की वजह से वहाँ का विकास नहीं हो पाया। अगर राजस्थान का बात करेंगे तो राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ, अगर यहाँ पे राजस्थान का बात करते हैं तो राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा के प्रचुर मात्रा है। मतलब राजस्थान में क्या है कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, परंतु यह राज्य जल संसाधन दृष्टि से अति निर्धन है। हम लोग को पता है कि राजस्थान में क्या होता है कि जल की मात्रा बहुत कम है, ठीक है, वहाँ पर बोल सकते हैं जल का संसाधन बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे क्या है सौर ऊर्जा का मात्रा है, पवन ऊर्जा का मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। तो भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे क्षेत्र, लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जो शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों से अलग थरल हो गया है। मतलब शीत मरुस्थल के रूप में क्या हो, अन्य भाग से अलग थरल हो गया, मतलब अलग अलग हो गया, जैसे इंडिया का ये पार्ट हो गया तो ये थोड़ा अलग आग हो गया है, ठीक है।
लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। मतलब क्या है सांस्कृतिक विरासत का मतलब क्या हुआ कि जो पुराने जमाने में जो धनी था ना उसी के हिसाब से ये क्या है अभी तक ये प्रदेश धनी मनी है। ठीक है, ये जो राज्य है ये बहुत धनी मनी है। यहाँ जल महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक अवसंरचना की बहुत कमी है। मतलब यहाँ पर जल और खनिज का क्या है बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे दिया हुआ है भारत में संसाधन नियोजन। भारत में संसाधन का नियोजन कैसे करें, ठीक है, कैसे एक परफेक्ट तरीका से कोई भी संसाधन का उपयोग करें कि हम लोग को ज़्यादा फायदेमंद हो। ठीक है, उसी के बारे में नियोजन बनाया गया। तो इसमें चार स्टेप दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे है संसाधन नियोजन का एक जटिल प्रक्रिया, इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। यह क्रियाकलाप संसाधन नियोजन का सोपान होते हैं। सोपान मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर चलेंगे तो उस हिसाब से कोई भी संसाधन को हम लोग संसाधन नियोजन बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या क्या स्टेप दिया हुआ है, अध्ययन करेंगे। सबसे पहला अध्ययन है कि संसाधन को हम लोग कैसे संसाधन नियोजन कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों का पहचान करने के लिए सर्वेक्षण कराना। ठीक है, मतलब वहाँ जांच पड़ताल कराना चाहिए हर एक प्रदेश में, जितना भी राज्य है जितना भी संसाधन हम लोग पता चलता है वहाँ पे क्या है जांच पड़ताल कराना चाहिए और पता करना चाहिए कि वहाँ पे संसाधन कितने मात्रा में। सबसे पहला काम ये है। दूसरा है सर्वेक्षणोपरांत मानचित्र तैयार कर, मतलब जितना भी सर्वेक्षण मतलब मिला, ठीक है, कि यहाँ यहाँ क्या है कि इस प्रदेश में इस मतलब राज्य में हम लोग के पास संसाधन है उसका एक मानचित्र तैयार करना है। फिर संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक, ठीक है, मतलब मात्रा में और गुण में, और उसका देखना है कि वहाँ उसका गुण कैसा है। ठीक है, सबसे पहले मानचित्र तैयार कर लिए कि यहाँ यह संसाधन है। अब उसका चेक करना है कहाँ पे गुण कौन सा गुण वाला संसाधन है और उसका मात्रा भी चेक करना है कितना मात्रा में अवेलेबल है। इसके आधार पर मापन या आकलन करना है, उसके बाद ही उसका मापन और आकलन करना है, उसे बनाना है। उसके बाद क्या करना है, गांव में संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए, एक महत्वपूर्ण रूप देने के लिए उपयुक्त औद्योगिक कौशल एवं संस्थागत नियोजन के रूप में रेखा तैयार करना है। मतलब क्या है, एक टेक्नोलॉजी यूज करना है, एक कौशल मतलब तैयार करना है बहुत अच्छे से। उसके बाद क्या करना है, एक हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा, एक इंस्टीट्यूशन तैयार करना होगा जिस पर इस पर काम करे। ठीक है, नियोजन के रूप में रेखा तैयार करे। ठीक, मतलब कोई भी चीज़ करने के लिए क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन वगैरह होना चाहिए इसके बारे में, किसको हम लोग कैसे यूज करेंगे क्या करेंगे, मतलब उसका हम खुदाई कैसे करेंगे, वो सब के लिए क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। और फोर्थ नंबर पे क्या करना है, राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना के मध्य समन्वय स्थापित करना। मतलब समन्वय स्थापित करना मतलब क्या होता है कि एक क्या होता है मतलब स्टेबल बना के रखना। राष्ट्रीय विकास योजना संसाधन विकास की योजना के मध्य मतलब बीच में एक स्टेबल बना के रखना। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही कुछ कर दे इधर उधर तो वैसे नहीं चलेगा, पूरा एक स्टेबिलिटी बना के रखना होगा कि हम लोग ऐसे काम करना है। अब यहाँ पर ज्ञान दीजिए, बिहार राज्य में सामूहिक भागीदारी की सहायता से आपके आसपास के संसाधन विकास के कौन कौन से कार्यक्रम चल रहा है। मतलब संसाधन विकास बिहार के आसपास में जितना भी संसाधन पर काम चल रहा है उसके बारे में एक सहायता, आपके आसपास कौन कौन सा कार्यक्रम चल रहा है उसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है हमारे देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संसाधन नियोजन के लक्षित उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में भारत का प्रथम पच वर्षीय योजना से ही प्रयासरत है। ठीक है,
कहने का मतलब है, जब से हम लोग देश आजाद हुआ है ठीक है, उसके बाद से ही एक योजना शुरू किया गया। उस योजना का नाम क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इस योजना का नाम है प्रथम पंचवर्षीय योजना, मतलब 5 साल के लिए एक योजना तैयार किया गया, ठीक है। किसी भी इकाई पर विकास हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्त है। तो हम लोग किसी भी एक इकाई, कोई भी एक इकाई ले लिए, काम ले लिए, ठीक है, उसको विकास कैसे करना है 5 साल में, उसका पूरा योजना बनाते हैं कि इसको 5 साल में पूरा कैसे डेवलप करना है। किंतु प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी एवं संस्थानों में वांछित परिवर्तन के अभाव के केवल संसाधनों के उपयोगिता उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। बोले सिर्फ क्या हुआ कि मतलब ऐसे हम लोग क्या है कि टेक्नोलॉजी और जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके वांछित परिवर्तन के अभाव के मतलब उसका अच्छे परिवर्तन के अभाव नहीं था, इसलिए क्या हुआ कि हम लोग उस पर मतलब ज़्यादा हम लोग डेवलप नहीं कर पाए। आज भी हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जहाँ संसाधन प्रचुरता के बाद भी आर्थिक रूप से पिछले राज्य में इसकी गणना की जाती है। जैसे कि हम लोग ऐसा भी राज्य अभी है हम लोग के देश में जहाँ पे क्या संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन इसको हम लोग आर्थिक रूप से क्या बोलते हैं कि पिछला हुआ राज्य। जैसे कि बिहार को ही हम लोग बोल देंगे आर्थिक रूप से क्या है, पिछला हुआ है। संसाधन तो है लेकिन आर्थिक रूप से आर्थिक मतलब क्या, पैसे के मामले में पिछड़ा हुआ है, ठीक है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी राज्य हैं, इसके विपरीत कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो संसाधन के अभाव में भी आर्थिक रूप से विकसित है। मतलब कुछ ऐसा भी राज्य जहाँ पे संसाधन का कमी है लेकिन आर्थिक रूप से वो विकसित कर चुका है, मतलब पैसे के मामले में वो डेवलप कर चुका है। जैसे केरल की के बात करेंगे, केरल एक राज्य है हम लोग का, ठीक है, वहाँ पे क्या है उसका आर्थिक रूप से डेवलप राज्य है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है संसाधनों का संरक्षण, मतलब संसाधन को कैसे हम लोग बचा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के संसाधनों का अहम भूमिका होती है। मतलब जो हम लोग सभ्यता है ठीक है, जो हम लोग पहले से चलते आ रहा है ठीक है, संस्कृति मतलब अलग अलग संस्कृति के लोग लोग रहते हैं ठीक है, वो सब के विकास के संसाधनों का अहम एक भूमिका होता है। किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण, अब यहाँ पर लिखा हुआ अविवेकपूर्ण, विवेकपूर्ण मतलब हम बताए थे क्या होता है कि बुद्धिमानी पूर्वक, विवेकपूर्ण मतलब बुद्धिमानी, अविवेकपूर्ण मतलब अबुद्धिमानी, मतलब उसके बिना बुद्धिमानी मतलब बेवकूफ़ी की तरह काम करने हो गया। अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देते हैं। लेकिन आर्थिक मतलब आज के डेट में क्या है कि हम लोग बहुत सारा समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे सामाजिक असामाजिक चीज़ को भी हम लोग सही से नहीं चला पा, आर्थिक भी हम लोग का कमजोर है, ये सबको यहाँ पर लिखा हुआ है। इन समस्याओं का समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता है। अगर इसका हम लोग समाधान करना है ठीक है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति हम लोग सुधरे, उसके लिए हम लोग कुछ विभिन्न स्तरों पर काम करना होगा। संसाधनों का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग, मतलब बुद्धिमानी पूर्वक उपयोग ही क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। मतलब कोई भी संसाधन है हम लोग उसको बुद्धिमानी पूर्वक उपयोग करें, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संसाधन संरक्षण बोलेंगे, संसाधन का संरक्षण, ठीक है। जैसे कि हम लोग का पानी का जितना ही यूज है उतना ही यूज करें, उससे ज़्यादा यूज नहीं करें, फालतू में पानी का बर्बाद नहीं करें, वो क्या होगा, पानी का हम लोग संरक्षण कर रहे हैं। प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरण विदों के लिए एक चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक बहुत बड़ा विषय रहा है ज्वलंत मतलब एक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितना भी संरक्षण संरक्षण के लिए एक समाज सुधार को जितना भी समाज सुधारक होते हैं, मतलब समाज के लिए देखभाल करते हैं, जैसे नेता लोग हो गए, वो भी क्या है चिंता को मतलब जो जी चिंता करते हैं किसके लिए, संसाधन के लिए, और पर्यावरण विदो मतलब के जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं उन लोगों को हम लोग बोलते हैं पर्यावरण विदो।
जो लोग पर्यावरण के लिए काम करते हैं, पर्यावरण के सुरक्षा के लिए काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्यावरणविदु। ठीक है, तो ये सब क्या है, बहुत ही चिंतक विषय रहा है इन लोगों के लिए। ठीक है, इस संदर्भ में महान दार्शनिक चिंतक महात्मा गांधी का विचार प्रारंभिक प्रासंगिक है। ठीक है, तो महात्मा गांधी क्या बोले थे इसके बारे में एक कथन यहाँ लिखा हुआ है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, मतलब मेरे पास तो, हम लोग के पास क्या है कि पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यहाँ पे क्या है, भारत का अगर बात करेंगे तो बहुत सारा पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिकल नेताओं लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास अगर मनी का बात करेंगे, पैसा का बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों के पास क्या है, खाने का लाला पड़ा है, मतलब खाने के लिए उन लोगों के पास पैसा का बहुत कमी है। इसी वजह से क्या है कि हम लोग का अच्छे संसाधन का कमी महसूस होता है। ठीक है, जिन लोगों के पास पैसा है तो उन लोग क्या करता है, अपना संसाधन अच्छे तरीका से यूज करता है। ठीक है, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है तो संसाधन का कमी होता है, इसलिए कि बिना पैसा का संसाधन नहीं मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ मेधा पेटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान, मतलब कुछ कुछ अभियान आया था, नर्मदा एक नदी है जिसका एक नर्मदा बचाओ अभियान आया था, कौन किया था, मेधा पाटेकर। ठीक है, नदी का पानी के बचाव के लिए वो अभियान एक किए थे। ठीक है, सुंदर लाल बहुगुणा का क्या था, चिपको आंदोलन आया था, चिपको आंदोलन आया था, जो कि हाँ एक चैप्टर में पढ़ना होगा आगे, ऐसे हम बता देते हैं। चिपको आंदोलन क्या है कि पेड़ काटने से बचाने के लिए एक आंदोलन किया गया था, कि क्या कर रहे थे लोग कि पेड़ जो काटा जा रहा था उसको क्या कर रहे थे, चाहो तो आप लोग जाके चिपक जा रहे थे कि पेड़ कोई नहीं काटे, पेड़ पौधा। इस आंदोलन में कौन भाग लिए थे, सुंदर लाल बहुगुणा, ठीक है, एवं संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर, मतलब संदीप पांडे द्वारा क्या किया गया था कि वर्षा जल को संचय किया गया था, मतलब वर्षा जल जो होता है उसको क्या किया गया है, बचाया गया है। ठीक है, वर्षा जल को हम लोग कैसे बचा के रख सकते हैं, इसका बहुत सारा तरीका है, बांध बनाया जाता है जो कि हम लोग वर्षा जल को बचा सकते हैं। ठीक है, कृषि भूमि का विस्तार, मतलब कृषि करने वाला भूमि को कैसे बचाने के लिए, वो भी कौन किए थे, तो संदीप पांडे किए थे। ठीक है, संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। ठीक है, ये सब क्या है, संसाधन को बचाने के लिए एक बहुत अच्छे कदम है। गांधी जी जैसे कई चिंतकों का मानना है कि मानव स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति तथा अत्याधुनिक तकनीक की शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधन के तीव्रतम हास के लिए मजबूर कर, मतलब यहाँ पे गांधी जी का और भी चिंतकों जितना भी थे उन लोगों का मानना क्या था कि आदमी मानव जो स्वार्थी होते जा रहे हैं और लालची होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हम लोग आज के दिन में संसाधन का बहुत ज़्यादा ही नाश हो रहा है। ठीक है, गांधी जी यहाँ पर लिखा हुआ है, गांधी जी मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोध करते हैं, जो भी मशीन से उत्पादन होता है उसका बहुत घोर विरोध करते थे, बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। ठीक है, वे बड़े, वो क्या, गांधी जी यहाँ पे लिखा हुआ है, गांधी जी क्या चाहते थे कि अगर मशीन द्वारा कोई भी उत्पादन होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत लोगों का रोजगार नहीं मिल पाएगा, अगर हम लोग नेचुरल तरीका से कोई भी चीज़ उत्पादन करें उसका, ठीक है, तो वो लोग उससे क्या होगा कि बहुत लोगों का रोजगार मिलेगा जिससे वो लोग अपना आर्थिक स्थिति सुधार सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप जानते हैं मानव एवं तकनीक के शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जो मानव द्वारा जो भी मतलब हानि हास किया जाता है, मतलब बर्बाद किया जाता है संसाधन को, वैसे दोहन को क्या किया जाता है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है उसको। अब आते हैं यहाँ पे आगे, कुछ संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए, संसाधन को संरक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, मतलब क्या,
मतलब अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्या कि कुछ कंट्री मिलकर, ठीक है, बहुत सारा उसमें कंट्री मिलता है, ठीक है, कंट्री मिलकर उस पर सोच विचार करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए, मतलब बैठक हुए। सर्वप्रथम सबसे पहले कब हुआ था, 1968 ईस्वी में, ठीक है, क्लब ऑफ रोम ने, ये कौन किया था, तो क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी, मतलब इसके बारे में वही बोले थे कि हम लोग बैठक करते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम बैठक इतना ईस्वी में हुआ था। 1974 ईस्वी में सुमरेस की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, मतलब एक पुस्तक आया था, कब, 1974 में, किसके द्वारा लिखा गया था, सुमशेर की पुस्तक, सुमशेर की पुस्तक थी, ठीक है, पुस्तक का नाम क्या था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, में इससे संबंधित गांधी जी के विचार को प्रकाशित हुए थे, मतलब इसमें गांधी जी का विचार को लिखा गया था, ठीक है। बेनलेन आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर सिद्ध हुआ, ठीक है। मतलब एक और यहाँ पे बेनलेन का मतलब एक आयोग आया था, कब आया था, 1977 में, जो उसमें भी क्या थे, संसाधन के विरुद्ध काम किए थे, ठीक है। इसमें सतत विकास की कल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया। अब सतत विकास क्या होता है, ऐसे तो नीचे इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन हम थोड़ा बहुत अभी बता देते हैं। सतत विकास का मतलब ये होता है, मतलब इसको इंग्लिश बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब ऐसा विकास जो आगे जाकर, ऐसा संसाधन जो हम लोग आने वाला भविष्य के लोगों के लिए बचा कर रखते हैं, ठीक है, बचा कर रखते हैं, वैसे संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं, ठीक है। मान लो कि पानी क्या है, पानी का कमी हो रहा है, तो पानी को हम लोग को बचा के रखना है, तो ये क्या हो गया, मतलब आने वाले जनरेशन को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया, ठीक है। इसी रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य शीर्षक से दस्तावेज प्रकाशित किया गया, रिडो डी जेनेरो जो ब्राजील के थे, 1992 ईस्वी में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन भी संदर्भ में, एक क्या था कि ब्राजील का कौन थे, रियो डी जेनेरो, ये ब्राजील के थे, जो कि एक पृथ्वी सम्मेलन भी, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन भी इस संदर्भ के एक सुनियोजित प्रयास था, एक सुनियोजित प्रयास था। पुनः 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, मतलब दोबारा पृथ्वी सम्मेलन हुआ, कब, 1997 में, तथा 2002 में जोहान्सबर्ग में, जोहान्स 2002 में फिर एक जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, मतलब तीन पृथ्वी सम्मेलन हुआ, एक 1992 में, अब इसको भी याद रखना है किसके द्वारा किया गया था, रियो डी जेनेरो, ठीक है। उसके बाद दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1997 में, ये किसके द्वारा किया गया था, ये कहाँ पे हुआ था, उसको भी याद रखना है, न्यूयॉर्क में हुआ था, और किसके द्वारा हुआ था, तो जोहान्सबर्ग, ठीक है। और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था, नाम दिया हुआ है क्या यहाँ पे, मैं आयोजित तृतीय सम्मेलन संरक्षण विश्व स्तरीय सराहनीय प्रयास था, ये सबसे बड़ा विश्व स्तरीय यहाँ पे इसके द्वारा किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब तीन सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, उसका वर्ष याद रखना है, कौन कब कब हुआ था, 1992 में, दूसरा हुआ था 1997 में, तीसरा हुआ था 2002 में। अब दिया हुआ सतत विकास और अवधारणा, ठीक है, अब यहाँ पर सतत विकास का अवधारणा दिया हुआ है, ठीक है, किसमें क्या क्या था, ठीक है। संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है, मतलब जीने के लिए संसाधन क्या है, मनुष्य के लिए जरूरी है, जीवन की गुणवत्ता बनाने रखने के लिए संसाधनों का सतत विकास की अवधारणा अत्यावश्यक
अत्यावश्यक है, ठीक है, मतलब बहुत ही जरूरी है। संसाधन प्राकृतिक प्रदत्त उपहार है। संसाधन एक क्या है, प्राकृति का उपहार है कि अवधारणा के कारण मानव ने इनका अंधाधुंध दोहन किया है। मतलब एक प्रकृति का दिया हुआ है लेकिन मानव क्या किया है, इसका एक अंधाधुंध दोहन किया है, बहुत ही ज़्यादा बर्बाद किया हुआ है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हुए। मतलब पर्यावरण में भी समस्या आ गया। आप क्या क्या पर्यावरण में समस्या आया है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है व्यक्ति के लालच लिप्सा के संसाधनों के तीव्रतम दोहन कर संसाधन का भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया गया है। मतलब जो व्यक्ति का जो लालचपन है, जिसके कारण क्या किया है, संसाधन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खत्म हो गया है। संसाधन का केंद्रीकरण खास लोगों के हाथों में आने से समाज दो स्पष्ट भागों में बट जाता है। मतलब क्या होता है, केंद्रीकरण के खास लोगों के हाथों में आने से क्या होता है, समाज में बट जाता है। जैसे मान लो कुछ राज्यों में क्या हो गया, अब राज्य अलग अलग राज्य में बट गया। अब कुछ राज्य में संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गया, किस राज्य में बहुत संसाधन कम मात्रा में आ गया। अब जहाँ पे जिस राज्य में संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल गया, अब वहाँ पे क्या करेगा लोग, बहुत ज़्यादा हास करेगा, बर्बाद करेगा, इसलिए कि वहाँ पे लोग सोचेगा ही नहीं कि बचाना भी है, इसलिए कि वहाँ पर संसाधन का कोई कमी नहीं है। लेकिन वही संसाधन दूसरे राज्य में क्या है, बहुत ज़्यादा कमी है। ये भी एक संसाधन का हास होने का ये है कि मतलब क्या हो गया, राज्य का बंटवारा हुआ है, जिसकी वजह से संपन्न लोगों, मतलब संपन्न मतलब बहुत ज़्यादा लोग द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकहीन मतलब देखो यहाँ पे क्या था, एक विवेकपूर्ण मतलब क्या था कि विवेकपूर्ण मतलब बुद्धिमानी पूर्वक था। अब विवेकहीन मतलब क्या, बुद्धिमानीहीन मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं हो, हम लोग उसको बुद्धिहीन बोलेंगे। यहाँ पर बुद्धिहीन बोल सकते हैं, जिसके पास बुद्धि नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुद्धिहीन। तो संसाधन वैसे लोगों के हाथ में पड़ गए जो कि बुद्धिहीन थे, जो सोचते नहीं थे, ऐसे ही संसाधन को क्या किया, बर्बाद कर दिए, जिससे विश्व से परिस्थितिक में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब संसाधन तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग खत्म कर दिए, तो वहाँ से क्या हुआ कि एक घोर संकट आ गया। ठीक है, भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षेत्र। भूमंडलीय तापन का मतलब क्या होता है, भूमि क्या है कि टेम्परेचर डे बाय डे क्या हो रहा है, भूमि पर इंक्रीज किए करते जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो टेम्परेचर था, ठीक है, भूमि का, आज के डेट में क्या हुआ है, टेम्परेचर बढ़ गया है। ये भी क्या है, संसाधन का गलत तरीका से यूज करने का कारण। ओजोन क्षेत्र भी खराब हो रहा है। हम लोग जो कि साइंस में पढ़ते हैं ओजोन क्षेत्र के बारे में, कि क्या होता है कि ओजोन परत को पार करते हुए क्या होता है, सूर्य के किरण हम लोगों के पृथ्वी पर पहुंचता है। अगर ओजोन परत नहीं रहेगा तो पृथ्वी के किरण क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग शरीर पर पड़ेगा, तो उससे हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा क्षति हो जाएगी। ठीक है, ओजोन परत का रहना जरूरी है, लेकिन उसका भी क्षय हो रहा है, किसके कारण, कि बहुत सारे इंडस्ट्री कारण, बहुत सारे कंपनी कारण, जो क्या होता है उससे CO2 गैस निकलता है, जिस जाकर ओजोन परत को खराब करता है। नो CO2, CO2 तो खैर इंसानों के लिए पर्यावरण में ये क्या होता है, फ्रिज वगैरह का जो एक गैस होता है, जो अभी नाम याद नहीं आ रहा, उस गैस की वजह से ये क्या होता है, क्षय होता है इसका। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण का भी प्रदूषण हो रहा है। मृदा क्षरण मतलब मृदा में भी क्या होता है, मृदा भी खराब हो रहा है, मिट्टी भी खराब हो रहा है। भूमि विस्थापन, भूमि क्या होता है, जो भी मिट्टी रहता है एक दूसरे दूसरे जगह बह के चला जाता है। अम्लीय वर्षा, जो कि अम्ल के रूप में वर्षा होता है, वो भी क्या होता है, बहुत हानिकारक होता है। समय ऋतु परिवर्तन क्या होता है, असमय मतलब जो समय नहीं है उस ऋतु में क्या होता है, पानी होने लगता है, जब पानी का दिन नहीं, बारिश का मौसम नहीं रहता उस टाइम बारिश होने लगता है। ये सब क्या होता है, ये सब के कारण हो रहा है, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा पर्यावरण को गलत तरीका से, सॉरी, संसाधन को गलत तरीका से यूज किए। जैसे कि पारिस्थितिकी संकट पृथ्वी के व्याप सभ्यता संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। मतलब बहुत ज़्यादा ही खराब होने के लिए तैयार है। अगर इन स्वार्थी
तत्व या देशों द्वारा अनवरत विदोहन चलता रहा तो पृथ्वी के जैव संसाधन विनाश का आगोश में सजा समा जाएगा। मतलब अगर ऐसे ही हर एक देशों द्वारा चलता रहा, ठीक है, तो पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, जैव संसाधन विनाश हो जाएगा। मतलब जितना भी सजीव चीज है वो सब के सब जैव संसार विनाश हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर उपरोक्त परिस्थितियों में निजात पाने एवं विश्व शांति के साथ जय जगत का पूर्णवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधन का न्याय संगत बंटवारा अपरिहार है। मतलब अपरिहार मतलब अभी हम लोग परिहार का मतलब देखे थे, तो परिहार मतलब क्या होता है, अपरिहार्य मतलब अनिवार्य है, मतलब जरूरी है, ठीक है। दूसरे शब्दों में संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है। मतलब जितना हम लोगों को जरूरी है, एक नियोजन पूर्वक एक नियोजन बना के कि हम लोग का इसका इस्तेमाल इतना ही, इस संसाधन का उपयोग इतना ही करना है, ठीक है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। मतलब हम लोग को जितना जरूरी है उस चीज़ को उतना ही यूज करें, उसके लिए हम लोग को एक नियोजन की जरूरत है। ऐसी धारणा ही सतत विकास कहलाता है, उसी धारणा को हम लोग सतत विकास कहते हैं, जो कि हम लोग भविष्य के बारे में सोच के चलते हैं, ठीक है। इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ नीचे में समर्थनीय तत्व जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पर दिया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, यहाँ पर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन मिलेगा, लास्ट में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन मिलेगा, तो ये सब बारे में सेम चीज दिया हुआ है, ठीक है। और क्या आज की क्लास यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरे चैप्टर को, इसी चैप्टर में दूसरे संसाधन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।